हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्सों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने एक न्यूज़ दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि सहारा ग्रुप के रीजनल न्यूज़ चैनल सहारा समय MPCG के हेड पद से मनोज मनु को हटाकर रमेश अवस्थी को ये पदभार दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस हमारी वीडियो पर कुछ कमेंट आए थे जिसमें उसमें कहा गया था कि ये फेक न्यूज़ है, ये कहाँ से मिली, कुछ इस तरह की कि हमारे पास कमेंटों के माध्यम से ये जानकारियाँ दी गई थी कि ये फेक न्यूज़ है। लेकिन दोस्तों, आज ये बात बिल्कुल साफ़ हो गई है कि ये फेक न्यूज़ नहीं थी, बिल्कुल सही न्यूज़ थी, रियल न्यूज़ थी। आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं वो 20 मई 2020 की ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ है जो आपके इस जो मन में भ्रम चल रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो सकता है, क्योंकि हम जो आज आपके लिए ये न्यूज़ लेकर आए हैं ये भड़ास चैनल से लेकर आए हैं, जो कि अपनी भड़ास अक्सर निकालता रहता है। तो आज जो ये भड़ास निकाली गई है सहारा ग्रुप के ऊपर, तो ये पूरी खबर ये है कि रमेश अवस्थी को मिला सहारा समय MPCG चैनल का अतिरिक्त भार। या दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 20 मई 2020 की है पूरी खबर। सहारा ग्रुप के रीजनल न्यूज़ चैनल सहारा समय MPCG के हेड पद से मनोज मनु को हटाए जाने के बाद उसकी कमान रमेश अवस्थी को दे दी गई है। रमेश अवस्थी अभी सहारा समय यूपी उत्तराखंड चैनल के मुखिया हैं। ये अतिरिक्त भार के रूप में सहारा समय MPCG चैनल देखेंगे। ज्ञात हो कि मनोज मनु सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 10 साल से ज़्यादा समय तक हेड चैनल के हेड रहे। मनोज मनु को दो हफ्ते पहले चैनल हेड पद से हटाकर जिम्मेदारी सुरेश तिवारी को दे दी गई, पर इस आदेश को शीघ्र ही संशोधित कर रमेश अवस्थी को MPCG चैनल का अतिरिक्त भार दे दिया गया। इस बीच चर्चा है कि मनोज मनु के ऊपर कुछ गंभीर आरोप है जिसकी जांच चल रही है। पहले भी MP के कई विवादों में मनोज मनु का नाम सामने आया, पर अपने रसूख के चलते मनोज मनु ने सब कुछ मैसेज कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अब ये उनसे मैनेज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि दोस्तों, उनके सामने सहारा सुब्रत राय के बेटे खड़े थे और उनके और मनोज मनु के बीच में जो एक कुछ विवाद सा चल रहा था, जो अंदरूनी विवाद चल रहा था, उसका पूरा खामियाना मनोज मनु को यहाँ पर भुगतना पड़ा और उनको अपने पदभार से हटना पड़ा। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुँचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।